हेलो एवरीवन वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल पी एस तो आज की जो वीडियो हमारी चैप्टर नंबर फाइव से रिलेटेड है जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग और ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले जो क्लासेस होंगी आपकी क्लास नाइन्थ टेंथ उसमें तो बहुत काम का ये चैप्टर होगा ठीक है तो इस चैप्टर को आपको सीरियसली पढ़ना है ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि इसमें हम फाइव एक्सरसाइज तक कवर करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वॉट इज डेटा तो जो भी डेटा है देखो Uh, अब आपके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो उस सारी इन्फॉर्मेशन को अगर हम एक साथ जो है कलेक्ट करें तो उसको हम क्या कहते हैं डेटा कहते हैं अब डेटा हैंडलिंग है, तो उस डेटा को हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है किस तरह से हैंडल करना है तो वो सारी चीज़ें इसमें हम सीखेंगे ठीक है अब ये कह रहे हैं कि लुकिंग फॉर द इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी है कि रन्स मेड बाय द बैट्समैन इन द लास्ट टेन मैचेस नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन द लास्ट टेन ओडीआई और मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास इन द मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स तो ये क्या है ये सारी इंफॉर्मेशन है अब अगर इस इस इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करें कलेक्ट करने के बाद रिप्रेजेंट करें उसको एक पिक्चराइज एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम पिक्चराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम टेबलर फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं डेटा कहते हैं ठीक है अब यहाँ देखें ये लिखा है द इंफॉर्मेशन देखो मैं इसलिए इस थ्योरी को पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए बेसिक्स है तो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस कॉल्ड डेटा तो इसको क्या कहते हैं हम डेटा कहते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है वो इस ये जो ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं ठीक है थीके? अब कह रहे हैं डेटा इज यूजली कलेक्टेड इन कंटेक्ट सिचुएशन दैट वी वॉन्ट टू स्टडी फॉर अ टीचर मे लाइक टू नो द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट हमारे क्लास मान लो कोई क्लास है तो क्लास के अंदर एवरेज हाइट या एजेस की बात हो सकती है कितनी कितनी एज है कि पांच साल के बच्चे कितने किसी भी स्कूल में uh, अप टू तो, ट्वेल्व ईयर्स तक कितने हो सकते हैं अप टू फिफ्टीन ईयर्स तक तो या क्लास नाइन्थ में कितने स्टूडेंट हैं क्लास टेन में कितने स्टूडेंट्स हैं कितने स्टूडेंट जो सेवेंटी परसेंट से ज्यादा नंबर लाते हैं तो ये सारा जो हो जाएगा वो इन्फॉर्मेशन डेटा हो जाएगा टू फाइंड शी विल विल राइट द हाइट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन हर क्लास ऑर्गेनाइज द डेटा इन द सिस्टमेटिक मैनर एंड देन इंटरप्रेट इट अकॉर्डिंगली जब हमें डेटा पता होगा जब हमें सारी इंफॉर्मेशन पता होगी फिर हम उस डेटा को अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी हमें जरूरत होती है उस तरह से हम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं बात करूं कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारा जो देखो आपका आधार कार्ड आपके जो है वो आ, राशन कार्ड पहचान पत्र ये सब सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास कलेक्टेड है तो गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट को कोई स्कीम्स बनानी होती है गरीबों के लिए बनानी होती है किसी और के लिए बनानी होगी तो क्या करेगी वो उस डेटा का यूज़ करके वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करेगी और उसके अकॉर्डिंगली वो है वो कोई भी स्कीम अपनी बनाएगी है ना या फिर वो हम वो उनको ये जानकारी रहेगी कि कितने हमारे यहाँ पर जो जितने भी सिटीज़न हैं वो कितने बीपीएल हैं कितने बिलो पॉवर्टी लाइन है कितने बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है जो भी उनको जिस तरह से भी उनको डेटा को इंटरप्रेट करना है वो कर सकते हैं ठीक है थीके? अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं समटाइम्स द डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली क्या हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ बनाएंगे उस डेटा का ठीक है जिससे कि तो ग्राफिकली इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि हमें डेटा को समझने में आसानी हो और कोई आपको मैं नंबर्स लिख दूंगा नंबर्स को आप इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे एज कंपेयर टू जब आपको उसको पिक्चराइज फॉर्म में या फिर ग्राफिकली फॉर्म में उसको हमने रिप्रेजेंट किया हो तो लिखा टू गिव यहां लिखा है कि ग्राफिकली इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ़ वॉट इट रिप्रेजेंट्स डू यू यू रिमेम्बर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स देखो हमने जो है वो इससे पहले भी क्लासेस में ग्राफ्स पढ़े हैं पिक्टोग्राम हमने पिक्टोग्राफ पढ़ा है हमने और भी बहुत सारे ग्राफ यहाँ पर पढ़े हैं ठीक है थीके? तो बारग्राफ होता है डबल बारग्राफ होता है तो ये सारे जो हो जाएंगे वो हमारे पिक्चराइज फॉर्म हो जाएगी ठीक है वो हम बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी डेटा का तो पहला जो हमारा है वो है आप पिक्टोग्राफ तो पिक्टोग्राफ क्या होता है पिक्टोग्राफ नथिंग बट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा तो और इसमें हम क्या करेंगे यूजिंग सिंबल करेंगे मान लो हम यहां पर कह रहे हैं कि कार्स मैन्युफैक्चरिंग की कोई कंपनी है तो वो जुलाई में अगस्त में और सितंबर में कितनी कार को रिप्रेजेंट कर रही कितनी कार जो वो मैन्युफैक्चर कर रही मान लेते हैं अगर मान लो यहां से आप रिप्रेजेंट करोगे वन टू और ये कितना देखो तो ये हाफ है तो आप कितना करेंगे ये आप टू पॉइंट फाइव लिखेंगे लेकिन अब आप यहाँ पर जैसे यहां अगर देखें टोटल कितनी कार्स है टोटल कार्स जो हमारी हैं वो हमारी ढाई सौ कार है मतलब जुलाई में उसने कितनी टू फिफ्टी कार्स को मैनुफेक्चर किया अब टू फिफ्टी कार्स यहाँ बनाना बहुत मुश्किल था टू फिफ्टी कार्स तो आप बना ही नहीं सकते आपने क्या करा एक कार की वैल्यू जो आपने रख ली वो हंड्रेड कार रख ली तो आपको टू फिफ्टी कार्स के लिए कितनी कार बनानी है आपको जो बनानी है टू फिफ्टी टू पॉइंट फाइव कार बनानी है अब यहाँ पर देख के आप बना बता सकते हैं ये हंड्रेड ये आपका हंड्रेड ये हंड्रेड तो थ्री हंड्रेड हो जाएगा ये हंड्रेड 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 मतलब आपका कितना हो जाएगा ये फोर हंड्रेड हो जाएगा ठीक है तो ये क्या है ये आपका पेक्ट्री रियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डेटा यूजिंग सिंबल्स आप कह रहे कि हाउ मेनी कार्स प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई तो जुलाई में कितनी कार 250 कार्स इन विच मंथ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कार प्रोड्यूस तो सितंबर जो सितंबर मंथ है उसमें मैक्सिमम नंबर कार प्रोड्यूस किए और उसकी वैल्यू है 400 तो ये बहुत ही आसान है देखिए अगर आप जो है वो डायरेक्ट विदाउट uh, uh, आपने कांसेप्ट uh, को क्लियर करे बिना अगर आप जो है वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको जो है वो दिक्कत होगी इसलिए मैं जो है वो वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है बट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी ये सारी वीडियो ठीक है चलो हम अब नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा जो ग्राफ है पहला हमारा क्या होगा पिक्टोग्राफ तो दूसरा सेकेंड जो हमारा हो जाएगा बार ग्राफ हो जाएगा अब बार ग्राफ क्या देखो बार ग्राफ में हम क्या करते हैं इस तरह से एक ये सारे बार्स होते हैं ये रेक्टेंगल टाइप्स के ठीक है थीके? अब यहाँ तक अगर आप देखें तो इसमें जो कोई भी ग्राफ बनाएंगे तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये वाई है अब इस वाई एक्सिस पे हम लिख के आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट देखो यहाँ क्या लगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास एट तो क्लास एट में जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लिखेंगे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे लिखेंगे ईयर्स ठीक है एकेडमिक ईयर ओके तो कौन से टू थाउजेंड थ्री फोर की अकेडमिक ईयर ये फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन एंड सेवन एट अब देखो बारग्राफ होता क्या है ये आपको दिख रहा है कि रेक्टेंगल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं करें कि किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन है अगर हम उसको बार या रेक्टेंगल फॉर्म में देखो इनका एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो विर्थ होती है वो यूनिफॉर्म होती है जो विर्थ मान लो यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगी यहाँ भी यहाँ भी क्या होगी यहाँ भी एक्स होगी, होगी आपकी और यहाँ भी क्या होगी एक्स होगी तो यहाँ वही लगा कि डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बास ऑफ यूनिफॉर्म विथ देयर हाइट बींग प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यू अब हाइट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है क्यों है क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है ठीक है तो अगर हम थ्री फोर में देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हंड्रेड है? है यहाँ पर देखो ये हंड्रेड है फिर यहाँ पर कितना ये टू हंड्रेड हो, हो जाएंगे देखो यहाँ पर मैं वैल्यू कितनी हंड्रेड लिख सकता हूँ ये टू हंड्रेड और ये आपका टू फिफ्टी हो सकता है यहाँ पर आपका थ्री हंड्रेड है और ये आपका थ्री फिफ्टी है ठीक है तो यहाँ पर जो है वो हाइट जो है वो प्रपोर्शनल टू द वैल्यूज मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर डिपेंड करिए नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो हाइट ज्यादा होगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे तो हाइट कम होगी ठीक है यहां तक इसको पढ़ लेते हैं बार हाइट गिव्स द क्वालिटी ऑफ ईच कैटेगरी बार आर इक्वल विद इक्वल गैप्स इन बिटवीन तो आपको ध्यान रखना है जो गैप्स है वो भी आपका क्या होना चाहिए यहां पर इक्वल गैप्स यहां पर होना चाहिए ठीक है चलिए अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं देखो तो अगर हम यहां ध्यान दें इस तो ये इस तरह से आपको ग्राफ दिया होगा या फिर आपको डेटा दिया होगा आपको उसको जो है वो बनाना है इस तरह से आपको बारोग्राफ में कन्वर्ट करना है फिर इस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे कह रहे हैं कि वट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द दायोग्राफ बारोग्राफ में कौन सी इन्फॉर्मेशन दी तो बारोग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये दिया है कि जो एकेडमिक ईयर हैं डिफरेंट एकेडमिक ईयर हैं उन एकेडमिक ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे इन क्लास एट तो क्लास एट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बताना है कि 2003-4 के एकेडमिक ईयर में कितने थे चार पांच में अब आप अगर आपसे आप कोई पूछे कि टू थाउजेंड सिक्स सेवन कितने दो आप डायरेक्टली देखकर जा सकते हो थ्री हंड्रेड ठीक है तो आपको वो ना काउंट वाउंट नहीं करना है अब इसमें ऑलरेडी आपने डेटा को प्रोसेस कर रखा है बार ग्राफ में तो यहाँ से आपको आसानी होती है अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो इस तरह के आपको जो है वो ग्राफ देखते होंगे कंपेरिजन चार्ट लाइन ग्राफ जो होता है अब यहाँ देखते हैं इन विच ईयर द इज द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि किस ईयर में इंक्रीज इन नंबर सबसे ज्यादा है तो आप देखो ये हंड्रेड से टू हंड्रेड हो गया है ना तो यहां पर इंक्रीमेंट कितना है हंड्रेड का ये 50 है, 50 है, 50. तो ये इसका आंसर हो जाएगा इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिम जो है वो थ्री फिफ्टी है किस में सेवन एट में है कह रहे हैं स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टू थाउजेंड फाइव टू थाउजेंड फाइव सिक्स में कितने टू फिफ्टी है इज द ट्वाइस ऑफ द टू थाउजेंड थ्री फोर टू थाउजेंड थ्री फोर में कितने हंड्रेड है, 100 है. टू थाउजेंड थ्री तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ये ट्वाइस ट्वाइस कर रहा है twice नहीं है times है times है नहीं टाइम्स टाइम्स ठीक तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा ओके तो इस तरह से आपको जो है वो डेटा गिवन होगा उसको आपको बारोग्राफ में कन्वर्ट करना है फिर वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो अब देख लेते हैं डबल बारोग्राफ अब डबल बारोग्राफ का यूज कब करते हैं जब हमको कंपेरिजन करना होता है दो सेट ऑफ डेटा में ठीक है तो आप बारग्राफ शोइंग टू सेट ऑफ डेटा साइमिलटेनियसली तो इसको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं कि मैथ्स में 2005 थाउजेंड फाइव सिक्स में देखो यहां कह रहेगा मार्क्स ऑपटेन बाई कोई एक स्टूडेंट है, है ना तो उसने मैथ में लास्ट ईयर कितने नंबर आए उसके ये थर्टी आए फिर उसने नेक्स्ट ईयर मेहनत की होगी तो नेक्स्ट ईयर उसके जो सिक्स सेवन ये सिक्स सेवन के लिए ये वाला तो सिक्स सेवन में उसके जो नंबर हो गए वो कितने हो गए सिक्सटी हो गए तो पहले थर्टी थे अब उसने उसको बढ़ा लिया मतलब सिक्सटी कर लिया सोशल साइंस में उसके नंबर फिफ्टी थे फिफ्टी से उसके कितने फिफ्टी फाइव हो गए नेक्स्ट ईयर यहाँ फिफ्टी है यहाँ अगर देखेंगे तो ये लगभग फोर्टी फाइव है फोर्टी फाइव से कितना हो गया फिफ्टी हो गया और ये आपका फिफ्टी से कितना 45 हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर इसके मार्क्स कम हो गए इंग्लिश में और इसमें इसके इंक्रीज इसमें इंक्रीज हुई इसमें भी इंक्रीज हुई इसमें तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई मतलब हंड्रेड परसेंट का इंक्रीमेंट है और हिंदी में जो नंबर्स थे वो लगभग सेम रहे इनकी वैल्यूज कितनी है इनकी वैल्यूज आपकी सिक्सटी और सिक्सटी हो जाएगी ठीक है तो कह रहे हैं यहां पर दो क्वेश्चन किस तरह से होगा क्वेश्चन रहा है व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ तो डबल बार ग्राफ द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या दी मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन दी ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वो किसी एक स्टूडेंट के जो नंबर्स हैं तो नंबर्स का कंपेरिजन है कि लास्ट ईयर जो नंबर आए थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में और अब जो सब्जेक्ट्स हैं

अब यहां देखेंगे इन विद सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड डिटोरिएटेड का मतलब हो जाएगा कि परफॉर्मेंस जो है वो खराब हुई तो ये कौन सा है ये इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश तो इंग्लिश में उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी मतलब खराब हुआ मतलब डिटोरिएट हुई मतलब कम हुई इन विथ सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस एट पार तो परफॉर्मेंस जो है वो क्या है एट पारे एट पार तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि ये आपका हो जाएगा हिंदी ठीक है हिंदी हो जाएगा ये आपका तो यहां पर जो है वो उसकी परफॉर्मेंस लगभग लगभग क्या है सेम रही है इन विध सब्जेक्ट ठीक है अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं तो नेक्स्ट में हो जाएगा आपका देखो ये आपको ट्राई करना है इसमें आपको आपको बताना है आपको करना है करना एन ग्राफ अब यूजिंग द दे इन्फॉर्मेशन देखो मैंने आपको बताया कि आपको तीन ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ठीक है तो यहाँ पर आप इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ कर सकते हैं अब देखो स्कूल ए बी सी डी तो ये आपका कंपेरिजन है पर वॉकिंग साइक्लिक और ये आपका जो है ये भी आपका जन वाला हो जाएगा तो ये बार ग्राफ हो जाएंगे डबल बार ग्राफ इसको आप ग्राफ से बना सकते हैं और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं मतलब पिक्टोग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट वाले को तो मैं जो है वो बार ग्राफ बनाऊंगा ठीक है तो हम यहां पर बार ग्राफ पहले वाले के लिए बना लेते हैं देखो फटाफट कैसे बनाते हैं तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये जो वाई एक्स है यहां पर क्या लिखना है यहां पर आपको लिखना है नंबर ऑफ वॉचिस सोल्ड क्या लिखना है नंबर ऑफ वॉचिस सोल्ड ठीक है ये आपको नंबर ऑफ वॉच सोल्ड और यहां ये ये देखो क्या है जुलाई तो इधर हो जाएगा इधर आपके मंथ्स हो जाएंगे ओके अब देखो कहां से रिप्रेजेंट करें थाउजेंड फिफ्टी हंड्रेड और ये आपका इस तरह से ठीक है तो आप क्या करें आप जब देखो जब आप ग्राफ में बनाएंगे जब आप जो है वो बार ग्राफ जब जो आपको ग्राफ मिलेगा ग्राफ पेपर उसमें बनाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये सारी चीजें समझ रहे हैं आप तो यहां से जो है वो बार ग्राफ आप ले सकते हो बार ग्राफ ले सकते हो एक मिनट में बार ग्राफ ले लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर यहाँ पर बार ग्राफ दिया है क्या एक मिनट हो जाए आप मुझे बार ग्राफ देखने दें तो यहाँ से हमें बार ग्राफ लेना है ये मिलेगा ग्राफ ठीक है अब देखो ये मेरा ग्राफ हो गया अब यहाँ पर जो है वो ये वैल्यू है मैं ग्राफ डिस्प्ले फंक्शन ये तो मुझे ज़रूरत नहीं है मुझे ग्राफ की जरूरत है अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं इस तरह से और छोटा हो सकता है ये एक मिनट एक मिनट नहीं, नहीं अब देखो यहाँ पर ये इस तरह का ग्राफ हो गया आपका ये मैं ग्राफ ले सकता हूं, ओके? अब यहाँ पर क्या है अगर आप यहां पर बढ़ाएं तो यहां पर इसको कर दें आप फोर और ये आपका इस तरह से हो जाएगा अब यहां पर वैल्यू देखो क्या है वन थाउजेंड फाइव फिफ्टी हंड्रेड हंड्रेड टू थाउजेंड और ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और फिफ्टीन हंड्रेड ये वैल्यू दी है आपकी है ना तो मैं क्या कर रहा हूँ इस बार ग्राफ में देखो ये जो वैल्यू है इससे आपको ये आप इससे मतलब ना रखें ठीक है मैं अपनी वैल्यूज ड्रॉ करूंगा पर, तो यहाँ पर ओके तो यहां पर जो हम वैल्यू ड्रॉ करेंगे वो हमारी क्या हो जाएंगी यहां से लेके यहाँ तक ये यह मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ठीक है तो आपको पता है कि वाई एक्सेस पे जो हमारा है वो क्या हो जाएगा जो हमारा वाई एक्सेस है वहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड लेकिन ये वॉचेस कितनी है मैं इसको वन ले रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे फिफ्टीन लेना पड़ेगा ठीक है और ये मेरा टू थाउजेंड हो जाएगा ये मेरा कितना हो जाएगा देखो एक जो बॉक्स है वो कितना वन थाउजेंड का है तो आधा बॉक्स कितना फिफ्टीन हंड्रेड का हो जाएगा ओके अब यहां पर देखो ये हमारी वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी वन थाउजेंड ये आपकी कितनी हो जाएगी ये आपकी वन थाउजेंड हो जाएगी ये आपकी वन थाउजेंड एक मिनट भाई ये लिखने में दिक्कत हो रही है क्या ये वन थाउजेंड एक मिनट अब वन थाउजेंड ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ये वैल्यू आपकी वन थाउजेंड हो जाएगी ओके okay? तो यहां पर ये वैल्यू कितनी है? ये आपकी वन थाउजेंड तो ये आपकी टू थाउजेंड तो बीच वाली कितनी हो जाएगी बीच वाली आपकी जो होगी वो फिफ्टी हंड्रेड होगी फिर आप अगर ध्यान दें अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ यहां पर मुझे मैक्सिमम कितनी चाहिए ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तक चाहिए है ना तो टू थाउजेंड और ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ये हो जाएगी और थ्री थाउजेंड ये हो जाएगी ठीक है आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि एक जो इसका बॉक्स है फाइव हंड्रेड ले सकते हो ठीक है फाइव हंड्रेड आप ले लो देखो तो चलो आप मैं बड़ा करके ले लेता हूँ ठीक है फाइव हंड्रेड लेता हूँ आपका यहाँ पर है ठीक है तो इस ग्राफ को देखो तो इस तरह से आप बना लें आप बना सकते हैं आप जो है जो मैंने अभी बोला आप उस तरह से भी ले सकते हैं लेकिन वो जो ग्राफ होंगे जो इसके बाहर ग्राफ होंगे छोटे आएंगे ठीक है इसलिए मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो और कोई रीज़न नहीं है तो यहाँ पर जो है वो आप यहाँ लिखेंगे वन ये आपका फाइव हो गया ये आपका वन हो जाएगा और ये आपका टू थाउजेंड हो जाएगा ठीक है और ये आपका ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हो जाएगा ओके और फिर पंद्रह सो यहां पर हो गया आपका फिफ्टीन हंड्रेड आपका यहां हो जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड हो गया अब आप यहां देखें आ, राइट हैंड साइड में तो ये है मंथ्स तो मंथस हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है ये हम ले लेंगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर तो यहां पर हम जुलाई इसको अगस्त एक गैप छोड़ना सेप्टेंबर अक्टूबर अब मैं नेक्स्ट वाले नहीं बना रहा हूँ ठीक है अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इधर पार हो जाएगा अब आपको क्या करना है अब आपको पहले हम इसका रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो जुलाई में कितना वन थाउजेंड का जुलाई में कितना वन थाउजेंड क्योंकि मुझे गैप जो है वो सेम करना है तो जुलाई में वन थाउजेंड ये हो गया उसके बाद अगस्त में देखें अगस्त में आपका होगा फिफ्टीन तो अगस्त में आपका फिफ्टीन हो जाएगा ये हाँ से लेके यहाँ तक

यहां पर अगर मैं इस ये तो मेरा हो गया इस तरह से ये हो गया ठीक है अब देखो क्या कर रहे हैं एक मैं इस तरह से वो जो हो गया वो डिलीट हो गया मैंने इसको बड़ा किया तो वो डिलीट हो गया ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इसको जो है वो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं तो मैंने जो हाइट बताई थी वो उसके लिए हो जाएगा अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ आ गया अब देखो यहाँ पर जब हम करेंगे यहाँ इस ग्राफ को बनाएंगे तो इसकी जो वाई एक्सिस है उस वाई एक्सिस पर हम क्या रखेंगे ये जो वाई एक्सिस है इस वाई एक्सिस में रखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक्स एक्सिस जो होगा वो हमारा देखो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हमारा डबल वार ग्राफ है ठीक है तो इसमें कंपेरिजन है एक वाई स्किल और साइकिलिंग स्टूडेंट के बीच में अब यहाँ पर नंबर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने देखो मैक्सिमम स्टूडेंट देखो आपको यहाँ फिफ्टी फाइव मिल जाएंगे तो अगर मैं यहाँ पर टन 10, 10, 10 ले लूँ तो मेरा आराम से यहाँ पर हो जाएगा देखो एक उसको मैं टेन में कन्वर्ट कर रहा करूँ टेन स्टूडेंट्स फिर ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी और ये सिक्सटी तो फिफ्टी फाइव इसके बीच का हो जाएगा देखो अब यहाँ ध्यान दें तो ये आपका टेन हो जाएगा फिर ये ट्वेंटी हो गया ये आपका कितना हो गया ये आपका थर्टी हो गया ये आपका फोर्टी ये आपका फिफ्टी और ये आपका सिक्सटी तो फिफ्टी फाइव यहाँ हो जाएगा फोर्टी फाइव यहाँ होगा और ये फिर यहाँ हो जाएगा इसके बीच वाली वैल्यूज ये आपकी यहाँ हो जाएंगी ठीक है अब यहाँ ध्यान दें कि हमें जो है वो कितने स्टूडेंट चाहिए हमें चाहिए फोर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव फिफ्टी और थर्टी फाइव ये सब हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए अब यहाँ क्या है साइकिलिंग एंड वाइस के ठीक है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर जो ग्राफ बनाएंगे वो हमारा सारे रह जाएंगे दो कितने एक दो तीन तीन स्कूल के लिए स्कूल ए स्कूल बी है ना तो स्कूल ए के लिए और स्कूल बी के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड में हमें लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दो आप यहाँ पर और जो आपका बॉटम में होगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा uh, देखो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आपका हो गया उधर और यहाँ पर स्कूल्स बोल सकते हो आप है ना तो यहाँ पर स्कूल्स बोले आप स्कूल लिख सकते हैं ठीक है तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया स्कूल्स अब यहां ध्यान दें कि हमें जो है वो वॉकिंग साइकिल तो सबसे पहले मैं वॉकिंग वाले बना ले रहा हूँ स्कूल ए के लिए तो वॉकिंग वाला देखो वॉकिंग स्कूल ए का जो मैं देखूंगा और स्कूल बी स्कूल सी देखें यहां पर बनाए सबसे पहले हम स्कूल मतलब वॉकिंग के लिए बना रहे हैं ठीक है थीके? तो वॉकिंग के लिए कितना हो जाएगा फोर्टी हो जाएगा यहां पर देखें तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने यहाँ पर फोर्टी कितने यहां पर ये यह हमारे फोर्टी स्टूडेंट्स हो जाएंगे देखो तो मैं इसको ना ये चलो फुली ले लेते हैं फोर्टी और अगर हम देखें ये ये वॉकिंग वाला है ठीक है और स्कूल बी के लिए स्कूल बी के लिए देखो तो फिफ्टी फाइव है तो यहाँ पर ये एक बन जाएगा फिर एक का गैप दे दो फिफ्टी फाइव कितना है फिफ्टी फाइव है ना तो फिफ्टी फाइव हमारे यहाँ हो जाएगा लगभग तो ये हमारा फिफ्टी फाइव हो गया ओके ये हमारा हो जाएगा फिफ्टी फाइव अब हम देख लेते हैं फिफ्टी स्कूल सी के लिए फिफ्टीन तो यहाँ पर ये उसके लिए जगह एक गैप दे दो तो ये हो जाएगा आपका फिफ्टीन तो कितना हो रहा है ये है? आपका फिफ्टीन हो रहा है ये मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया आप जस्ट मिडिल में लो है ना ये तो ये कितना हो जाएगा आपका फिफ्टीन हो जाएगा ओके ये आपका क्या हो गया फिफ्टीन हो गया ओके? अब देखो ये अगर आप ध्यान दें तो ये आपका ये किसके लिए ये आपका स्कूल मैं उस स्कूल ऊपर लिख रहा हूं आ, स्कूल ए ये ए के लिए है ये बी के लिए है और ये स्कूल सी के लिए यहां पर हम जो भी है बना रहे हैं ना अब यहां देखे कि अब ये तो वॉकिंग के लिए था वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए क्या होगा स्कूल अब सा, ये हमारा के लिए फोर्टी तो फाइव 45, 45 ले 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 तो तो ही हो जाएगा ठीक है okay? अब यहां इसके लिए कितना है इसके लिए ट्वेंटी फाइव ही कितना ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव हमारे यहां आ जाएगा इसके जस्ट में, यह हो गया आपका ठीक है अब यहाँ अगर देखें और वॉकिंग साइकिलिंग देखो इसको दो तरह से भी और दूसरा भी तरीका है कि आप नीचे जो है वो स्कूल ना लेके कर यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए अलग अलग कर सकते हैं लेकिन जैसे मैं करूँ ये सही एक दम, तो 35, 35 है एकदम करेक्ट है ठीक है तो थर्टी फाइव थर्टी फाइव आपका कहाँ होगा थर्टी फाइव आपका यहाँ हो जाएगा ठीक है तो ये आपका हो गया अब देखो यहाँ जो बॉक्स बनाएंगे जैसे आपने ये वाला कलर बनाया मतलब आपने जो येलो कलर है ये कलर आप यहाँ बना लें और एक जो कलर है वो आप ये वाला भी बना लें ठीक है तो आप ऐसे तो लिख दें कि ये जो कलर है ये जो कलर है इस कलर का मतलब है इस कलर का मतलब है कि देखो इस वाले कलर का मतलब है हमने क्या लिया हमने ये जो बनाया वो वॉकिंग के लिए बनाया किसके लिए वॉकिंग के लिए इसका मतलब क्या है ये वॉकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका साइकिलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है साइकिलिंग ठीक है तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर आपको लिख देना है जैसे यहाँ अगर मैं आपको लास्ट इसमें दिखाऊंगा तो ये देखो ना ये लिखा है टू थाउजेंड और ये लिखा है टू थाउजेंड तो ये कलर चेंज कर दिए ना कंपेरिजन डेटा में ठीक है और नीचे आप क्या लिखेंगे सबसे पहला ये है स्कूल ए अब आप इस इसको जो है वो नीचे ही लिख लें ज्यादा बेटर रहेगा तो ये आप स्कूल ए के लिए है ये स्कूल बी के लिए है और ये स्कूल सी के लिए और अगर आपको वैल्यूज लिखना है तो आप लिख लें यार फोर्टी फोर्टी फाइव ये आपका हो जाएगा फिफ्टी फाइव ये वैल्यूज आपकी हो जाएंगी फिफ्टी फाइव ये वैल्यू आपकी होगा है, है? तो आप आप क्वेश्चन ही आप क्वेश्चन नंबर थ्री कर सकते हैं तो इसमें परसेंटेज वाइज है तो आप इसको हंड्रेड परसेंट तक ले जाएं लेफ्ट को तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है मैक्सिमम वैल्यू यहां पर अगर तो सेवेंटी एट परसेंट एट्टी परसेंट तक ले जाए तो ये सेवेंटी एट इस तरह से आप ग्राफ के देखो तो जो ग्राफ होगा उसमें और भी छोटा ये वैल्यूज होती हैं तो आप वन टू थ्री करके जो है वो आप फाइव फाइव का ले लें क्योंकि उसमें और भी अगर आप ग्राफ देखेंगे ना जो आपके पास होता है उसमें और भी छोटे छोटे कॉलम हो इसके अंदर रोज एंड कॉलम होंगे है ना रोज़ एंड कॉलम होंगे तो वहाँ पर वन को भी रिप्रेजेंट आप अगर ट्वेंटी वन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ट्वेंटी वन भी दिख जाएगा मान लो कि ये ट्वेंटी है तो उसके ऊपर वाला एक यहाँ पर होगा लाइनिंग होगी उसको बोलते हैं ट्वेंटी वन ठीक है तो वहां पर जाके आप इसके जरिए जो है वो इस डेटा को मतलब इस वाली टेबल को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसकी जो बनेगी वो भी आपकी क्या बनेगी ये भी आपका डबल बार ग्राफ है कौन सा ये डबल बार ग्राफ है डबल बार ग्राफ है ओके अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहां पर ऑर्गेनाइजिंग डेटा क्या है ऑर्गेनाइजिंग डेटा अब यहां पर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग डेटा क्या है किसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज डेटा जैसे आप बोलो कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो उस डेटा को हम वो डेटा अवेलेबल होगा कोई कहीं से कोई कहीं से इंफॉर्मेशन आपको मिल रही डेटा क्या डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अब वो जो इंफॉर्मेशन वो अनाप शराब तरीके से आपको कोई कहीं कोई मान लो आप कॉपी में कुछ कहीं लिखा है कोई कहीं लिखा है ना कोई इंफॉमेशन कहीं लिखी है किसी कॉपी में लिखी तो आप क्या कर रहे हैं उस सारे डेटा को जो और अनऑर्गेनाइज डेटा है उसको आप कलेक्ट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में उसको लिख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा अब देखो डेटा अवेलेबल टू एस इज एन अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड रॉ डेटा तो जो ऐसे ही आपको मिल जा रहा है मतलब आपको जो है वो अनऑर्गेनाइज uh, डेटा जो है जो आपको जो आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है मतलब आप कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं लिखी कोई इंफॉर्मेशन कहीं और लिखी तो उस डेटा को हम रॉ डेटा बोलते हैं ठीक है तो इस रॉ डेटा को आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करना है और जब आप अरेंज करेंगे जैसे यहाँ देखो ये यह देखो तो ये लिखा है यहाँ क्या लिखा है द रिजल्ट वर एज लिस्टेड बिलो यहाँ लिखा है फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज आज देयर फेवरेट सब्जेक्ट तो स्टूडेंट ने फेवरेट सब्जेक्ट को जो है वो लिखा एक अब एक हमने स्कूल में मान लो कि ये इतने सारे स्टूडेंट्स हैं अब हर स्टूडेंट ने कॉपी के नीचे ऐसे करके लिखना स्टार्ट कर दिया वन टू थ्री करके तो वन पे जो उन्होंने लिखा उन्होंने लिखा कि आर्ट है हमारा फिर नेक्स्ट स्टूडेंट ने लिख दिया मैथमेटिक्स है फिर लिख लिया साइंस है फिर किसी ने लिखा इंग्लिश है मेरा स्टूडेंट ने कहा मैथमेटिक्स तो यहाँ देखा आर्ट इंग्लिश मैथमेटिक्स इंग्लिश आर्ट तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अगर यहाँ है काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी तो ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स ने ये लिखा है अब इसमें सब्जेक्ट्स हो आपके पास क्या है सब्जेक्ट आपके पास आर्ट है मैथ्स है आपके पास यहाँ पर आपके पास साइंस है आपके पास इंग्लिश है ये चार सब्जेक्ट लिखे और तो कोई सब्जेक्ट नहीं तो ये चार सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ने लिखे अब अब इसको आपने एक एक, पर्टिकुलर डेटा में ये जो डेटा है ये अनऑर्गेनाइज या रॉ डेटा बोलेंगे इसको ये अनऑर्गेनाइज फॉर्म में अब इसको टेबुलर फॉर्म में जब आप कन्वर्ट कर दोगे तो वो आपका हो जाएगा आप बोल सकते हो वो आपका ऑर्गेनाइज डेटा हो जाएगा है ना और और जो ऑर्गेनाइज डेटा है उसी डेटा की हेल्प से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं देखो यहां पर अगर आप वो टेबल बनाएंगे अगर आप उस सब्जेक्ट में देखो मैं यही बना लेता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा तो यहां पर अगर मैं इसको टेबल में फॉर्मेट में अगर बन, बनाऊ इस तरह से देखो अब यहां पर क्या है मेरे पास जो है यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं मैंने सब्जेक्ट्स लिखे चार सब्जेक्ट है तो मैं यहां लिखूंगा सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट हैं मेरे पास सबसे पहले आर्ट फिर हमारा क्या है मैथमेटिक मैथ फिर साइंस फिर आपका इंग्लिश ये चार सब्जेक्ट हैं अब यहां पर मैं बनाऊंगा टैली टैली मार्क यहां लिखेंगे हम और वहां पर लिखेंगे टैली मार्क और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर ठीक है नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ही तो निकालना है हमें अब देखो अब ये कह रहे हैं अब देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा पहले आर्ट वाले देख लेते आर्ट वाला वन अगर आप टू इस तरह से आप कट कर सकते हैं थ्री पेंसिल की यूज कर लें लेर फाइव सिक्स और आ, सेवन तो ये कितना हो जाएंगे ये आपके सेवन हो जाएंगे ठीक है और टैली से अगर आप देखें ध्यान दें तो टैली में हम कैसे लिखते हैं देखो हम लिखेंगे वन टू थ्री जो वहां पर काउंट करते हैं वो यहां लिखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन कितना है सेवन है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट सेवन है ठीक है अब फिर नेक्स्ट वाले को देख ले क्या मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स में आप 1, तो यहाँ यहाँ वन तो यहां भी आप वन लिखें फिर आप क्या लिखेंगे थ्री फोर फाइव तो ये तो कितने ये आपके फाइव स्टूडेंट हैं कितने फाइव स्टूडेंट्स हैं यहां पर ये आप यहाँ लिखेंगे फाइव यहाँ फाइव लिख लें एक मिनट में इसको जोड़ा ही करता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा वो दिख नहीं रहा लीजिए ये कितना हो जाएगा कि ये आपका फाइव हो जाएगा तो फाइव स्टूडेंट्स हैं अब यहाँ पर आगे अग साइंस का है तो वन तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख लें वन वैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वन और टू थ्री फोर और फाइव तो ये भी आपका कितना हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव तो ये आपका फाइव हो गया अब यहाँ पर इंग्लिश कितना हो जाएगा वन टू थ्री 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 फोर और एक मिनट मैंने यहां कट नहीं किया को साइंस का मेरा जो हो जाएगा कि साइंस को दोबारा काउंट करें तो साइंस का मेरा फाइव नहीं है वन हो जाएगा साइंस का साइंस का आपका टू थ्री फोर और फाइव और आपका ये सिक्स है तो कितना आपका सिक्स साइंस का है साइंस कितना सिक्स और उसके बाद हमारा इंग्लिश रहेगा इंग्लिश का आपका वन टू थ्री थ्री के बाद आपका फोर फोर आपका इंग्लिश का ठीक है तो ये आपके ना है वन टू थ्री फोर ऐसे लिख दें अब तो ये टोटल अगर आप लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ट्वेंटी टू हो जाएगा ठीक है तो सेवन फाइव सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स और फोर ये आपका आ गया तो आपने इस डेटा को जो इतना बड़ा डेटा था उसको आपने टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया अब यहाँ से देख के मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इंग्लिश जो आर्ट सब्जेक्ट्स हैं वो कितने स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स आर्ट सब्जेक्ट है वो कितने स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट है सेवन का मैथमेटिक्स जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो कितने का फाइव का है साइंस uh, कितने का है सिक्स का है इंग्लिश कितने का फोर का है ठीक है इस तरह से तो अब ये जो है जो बार बार जो हम एक उसमें लिख रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी अब देखो द नंबर ऑफ बिफोर ईच सब्जेक्ट गिव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक द पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सब्जेक्ट का मतलब कि आर्ट सब्जेक्ट को कितने स्टूडेंट जो हैं वो लाइक कर रहे हैं या फिर उसको कितने लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है ठीक है फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर एंट्री अकर्स कि जो देखो सेवन का मतलब क्या हो जाएगा कि आर्ट सब्जेक्ट है वो सेवन स्टूडेंट पसंद कर अगर हम उसको इस लीनियर फॉर्म में लिखेंगे तो सेवन टाइम्स हम लिखेंगे सेवन टाइम्स हम उस कॉपी में लिखा गया होगा ठीक है ध्यान समझ में आया अब करें फ्रॉम टेबल फाइव पॉइंट वन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स लाइक और साइंस के लिए सिक्स है एंड मैथमेटिक्स के लिए फाइव है द टेबल मेड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो ये आप ध्यान रखना इस टेबल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ओके अब यहां पर देखो इसी तरह से आपको ये जो है वो इसकी टेबल बनाना है अगर आप ये जो ट्राई दीज करके लिखा है ठीक है तो इसको आपको बनाना है तो देखो अब यहां ध्यान दें तो ये कहना डॉग कैट डॉग कैट फिश रैबिट डॉग कैट फिश रैबिट मतलब क्या है हमारे पास डॉग फिश कैट और हमारे पास क्या है रैबिट ये हमारे पास जो है वो फोर टाइप्स ऑफ एनिमल्स है ठीक है अब यहां पर अगर आपको टेबल बनाना है तो यहां पर नेम ऑफ एनिमल्स लिख सकते हैं और देखो इस तरह से आपको तो आपके कितने फोर हैं तो फोर में इसको डिवाइड कर लो वन टू थ्री फोर उसके बाद आपका ये हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा ठीक है तो यहां देखिए यहां पर आपका हो जाएगा यहां पर आप एनिमल्स लिख लें और यहां पर टेली मार्क लिख ले लें फिर यहां पर आप लिख ले लें ले नंबर ऑफ एनिमल्स और यही आपकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी तो कौन कौन से आप डॉग फिश उसके बाद कैट उसके बाद आपका रैबिट ठीक है रैबिट हो जाएगा तो डॉग का आप लिख रहे हैं डॉग का कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन डॉक कितने टेन तो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा ये फिर देखें कैट का देखें फिश का देख लें पहले वन फिश वन और टू थ्री फिश कितनी थ्री तो यहां लिख लें वन टू थ्री कैट कितना कैट वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव मतलब टेन ठीक है अब देखो रैबिट कितनी है रेबिट यहां पर हो जाऊंगा वन टू टू के बाद आपका थ्री और ये फोर मतलब रैबिट आपके कितने फोर वन टू थ्री फोर तो और यहां ध्यान दें तो एक और यहां पर है, है ना वो उस समय क्योंकि हमें नहीं, तो हमने फोर ही लिए थे यहां पर क्या हो जाएगा और, और काउंट तो 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 करेंगे कितना आ जाएगा आप ट्वेंटी ट्वेंटी एट ये कितनी वैल्यू है ट्वेंटी एट अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है टेबल मैंने गलत तो नहीं मिले तो आप क्या करें उस टेबल को काउंट कर लें। ये जो टेबल दिए इसमें काउंट कर लें देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट तो ये वैल्यूज टोटल वैल्यू ट्वेंटी एट है जो हमने टेबल में साम निकल है ना ट्वेंटी एट इसका मतलब जो टेबल हमने बनाई है वो, वो सही बनाई है उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है ना बस इन चीजों का ध्यान रखना है कि क्या डॉग इसमें टेन है तो यही आपकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी फॉर dog frequency for fish 3 frequency for cat 10 frequency for rabbit 4 frequency for cow 1 मतलब इसका मतलब ये है कि cow 1 क्यों लगा फ्रीक्वेंसी अगर cow की 1 है इसका मतलब पूरी टेबल में जो डाटा लिखा है उसमें cow जो है वो 1 टाइम ही लिखा है ठीक है तो इस चीज को हम बोलते हैं ग्रुपिंग हम क्या कर रहे हैं इसको जो है वो इसको हम बोलेंगे कि ये डाटा है जो रॉ मटेरियल हमने उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ठीक है अब देखें अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है यहां पर ग्रुपिंग डेटा क्या है ग्रुपिंग डेटा तो इसमें कह रहे हैं कि द द डेटा रिगार्डिंग चॉइस ऑफ ऑफ सब्जेक्ट ईच सेवरल टाइम्स ठीक है तो बार बार जो एंट्री हमारी हो रही है जैसे यहां पर हमारी एक ही एंट्री को जैसे अगर यहां देखेंगे तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू है ना फिर आपका और कहीं भी होगा तो बार बार ये एंट्री आपको फिल करनी पड़ेगी तो सच्चा है आप उस एंट्री को फिल मत करिए आप क्या करेंगे Uh, अगर आप यहां देखें तो मैं जो इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लूंगा ठीक है तो ऐसे तो अब ये वैल्यूज कितनी है ये देखें सिक्सटी स्टूडेंट का डेटा है तो आप जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी तो आप इसको ग्रुप में डिवाइड कर लें और ये क्या है मार्क्स ऑफ टेंड है मतलब आउट ऑफ फिफ्टी ट्वेंटी वन मार्क्स टेन मार्क्स थर्टी मार्क्स आप ऐसे करें कि जीरो से टेन मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिलेंगे फिर टेन टू ट्वेंटी मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले और ट्वेंटी टू थर्टी मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले थर्टी टू फोर्टी कितने स्टूडेंट्स को हैं फोर्टी टू फिफ्टी अब फिफ्टी से 50 तो ऊपर नहीं हो सकता है फिफ्टी मार्क्स तो मैक्म मार्क्स है उससे ज़्यादा मिलेंगे नहीं और जीरो से कम किसी को नहीं मिलेंगे माइनस नहीं मिल सकते ठीक है तो इस तरह से हमने इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया ग्रुपिंग कर दी हमने तो इसको हम बोलते हैं ये जो ग्रुप बना रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल ठीक है interval, अब इस क्लास इंटरवल में जो ये क्लास इंटरवल जैसे मान लो हमने क्लास इंटरवल लिया टेन टू ट्वेंटी तो ये जो होती है ये लिमिट्स बोलते हैं इसको बोलते हैं लोअर लिमिट क्या बोलते हैं इसको लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट क्या बोलते हैं इसको अपर लिमिट बोलते हैं इसको ओके तो ये आपकी अपर लिमिट लिमिट लोअर अब इसकी क्लास होती है बहुत सारी चीजें वो हम अभी आगे ने, नेक्स्ट इसमें अभी डिस्कस करते हैं ठीक है थीके? अभी हम इसको डिस्कस करेंगे अब देखो ये जो अगर आप देखें तो यहां पर ये यह आपको बन रखी अब ये टेबल कैसे आई होगी वो मैं आपको बताऊं देखो यहां लिखा है डेटा प्रेजेंट इन दिस मैनर सेट टू बी ग्रुप्ड एंड दिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेन इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ लिखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखा था हम आपने अब इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा कहलाएगा ये जो आपको दिया ये बोलेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी यहाँ शायद दिया नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आगे के काम का है डिस्ट्रीब्यूशन और नेक्स्ट वाला है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये क्योंकि इसमें कोई भी आपकी जो है वो ग्रुप्ड डेटा यहां पर नहीं पर्टिकुलर डेटा पर्टिकुलर कोई भी डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग वहां पर फ्रीक्वेंसी है ठीक है वहां पर जो है वो ग्रुप्ड में डिवाइड कर रखा है ग्रुप में तो इसको बोलते हैं हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए अब यहाँ पर देखो मैंने आपको अभी बोला था कि चलो मान लो मैं टेन टू ट्वेंटी ले रहा हूँ तो ये मेरी हो जाएगी अपर लिमिट कोई भी देखो ये क्या है ये क्लास इंटरवल है ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स ठीक है क्लास इंटरवल्स जो ग्रुप्स हैं तो ये हो जाती है अपर लिमिट अपर लिमिट और ये आपकी हो जाएगी लोअर लिमिट ओके लोअर लिमिट इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ट्वेंटी माइनस टेन करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी टेन आ जाएगी इसी को हम क्या बोलेंगे क्लास इंटरवल बोलते हैं ना या क्लास विथ

मैं पहले इसको इरेज कर दे रहा हूँ फिर मैं उसके बाद टेबल को यहाँ पर बनाऊँगा अब ध्यान दें यहाँ पर क्या करना है देखो जो डेटा दिया है वो डेटा आपको ये वाला दिया है ठीक है इस डेटा को आप ध्यान दें तो ये कितने स्टूडेंट्स हैं सिक्सटी स्टूडेंट हैं टोटल तो सबसे पहले टेबल बना ले रहे हैं यहाँ पर देखो ये चैप्टर लेंदी है लेंदी मतलब आपको थोड़ा सा ये लिखने में मतलब ईजी तो है लेकिन आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा ठीक है अब देखो यहाँ पर मैं ग्रुप्स लिखूंगा या क्लास इंटरवल लिखूंगा और यहाँ पर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट लूंगा देखो तो ये मेरा हो जाएगा टैली है ना यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ओके ब्रैकेट में लिख दो ये हो जाएंगे यहां पर ग्रुप्स और बोल सकते हैं उसको क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं आप इंटरवल ओके तो ये हमने क्लास इंटरवल लिख दिया और ये हमारा ग्रुप्स हो गया अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं देखो मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है तो मैंने क्या करा जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी और फोर्टी टू फिफ्टी मैंने इसमें पूरा वो स्कोर डिवाइड कर दिया कन्वर्ट कर दिया ठीक है ये मेरा हो गया ये मैंने लिख दिया ठीक है ये पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं अब इस टेबल को देखो फिल करते हैं सही से है ना अब देखो टेन टू ट्वेंटी हाँ एक चीज और है कोई भी क्लास इंटरवल जो होगा हमारा जैसे मान लो ये आपका क्लास इंटरवल है चलो मैं इधर समझा दे रहा हूं कि यहाँ पर जो ये क्लास इंटरवल है आपका टेन टू ट्वेंटी हमने ले कोई भी ले सकते हो आप आप जीरो टू टेन तो टेन टू ट्वेंटी जो क्लास इंटरवल है मान लो मैंने ये ये लोअर लिमिट होगी आपकी लोअर लिमिट ये आपकी अपर लिमिट होगी है ना अपर लिमिट तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि क्लास विफ्त कितनी हो जाएगी या फिफ्थ और इसको साइज भी बोलते हैं क्लास इंटरवल का तो ये आपका ट्वेंटी -10, 10 अब यहां पर जो ये जो वैल्यू है मतलब टू इसमें ये वाली जो लोअर लिमिट होती होती है उसको included, include है उसको हम इंक्लूडेड इंक्लूडेड इंक्लूड करते हैं जो यहाँ पर जो डेटा है ना वो डेटा आपका टेन नहीं हो सकता टेन के करस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता तो यहाँ पर जो अपर लिमिट टेन इज ए अपर लिमिट अपर लिमिट जो होती है वो एक्सक्लूडेड होती है क्या होती है एक्सक्लूडेड देखो इसको अभी हम समझते हैं ठीक है ये चीज समझ में एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड लोअर लिमिट को इंक्लूड करेंगे और अपर लिमिट को एक्सक्लूड करेंगे अब देखो कैसे देखो जो यहां पर मैंने वैल्यू ली है वो क्या लिया जीरो क्लास इंटरवल है क्या है जीरो टू टेन मेरा यहाँ क्लास इंटरवल है अब जीरो टू टेन क्लास इंटरवल अगर मेरा है तो आप उसको ध्यान दें तो मैं यहां पर वैल्यू value, वो वैल्यूज लूंगा इसके अंदर है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स लूंगा जिनके नंबर्स जीरो से स्टार्ट होकर कहां तक है अप टू टेन टेन नहीं टेन अगर आएगा तो मैं नेक्स्ट उसमें उसको इंक्लूड करूंगा तो अप टू टेन होने चाहिए क्या होने चाहिए अप टू टेन अब यहां ध्यान दें तो यहाँ पर ये अगर इसको लगाएंगे तो अपना एक ये हो गया फाइव फिर आप देखे देखो तो यहाँ टेन आया लेकिन टेन जो आया इसको मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है ये जो टेन है वो एक्स वाले में आएगा नेक्स्ट वाले में ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वन हो गया फाइव वाला वन, वन 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 इसके बाद आप और आगे काउंट करें तो वन उसके बाद आपका ये हो जाएगा टू और तो कोई नहीं तो ये आपका होगा टू, तो टू है अब टेन टू ट्वेंटी देखो तो टेन टू ट्वेंटी यस ट्वेंटी नहीं आएगा देखो ध्यान रखना अच्छा ट्वेंटी इसमें नहीं आएगा ये एक्सक्लूडेड है लिमिट, तो वन, टू, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा वन टू थ्री थ्री के बाद फोर फोर के बाद फाइव फाइव बहुत ध्यान से करने की जरूरत है फाइव सिक्स सिक्स के बाद सेवन सेवन के बाद एट यहां पर टेन आया तो ये भी एट के बाद आपका आ जाएगा एट uh, और फिर नाइन उसके बाद आपका ये टेन नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव तो ये आपके कितने हो गए? टेन हो गए ऐसे ट्वेंटी टू थर्टी तो ट्वेंटी अब इसमें होगा थर्टी नहीं होगा ध्यान रखना अच्छा अब ट्वेंटी से लेके थर्टी तक तो ट्वेंटी हो तो होगा वन और उसके बाद टू देखो यहां थर्टी थर्टी नहीं होगा ठीक है इसमें वन टू थ्री थ्री के बाद आपका फोर फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन एट नाइन टेन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन नाइनटीन के बाद ट्वेंटी ट्वेंटी वन कितना तो है ये ट्वेंटी वन है हमारा है ना तो यहाँ आप बना लो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव थ्री फोर फाइव और ये, है? अब दो थर्टी हम लेंगे इसमें वन मैं कलर चेंज करता हूं यहां आप ले वन और उसके बाद आपका हो जाएगा देखो तो ये आप ले थर्टी वाला तो वन टू थ्री थ्री के बाद थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स सेवन सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्स सेवनटीन एटीन नाइनटीन कितनाटीन हो जाएगा आपका तो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर सही है नाइनटीन हो गया अब आप यहाँ लेंगे फोर्टी टू फिफ्टी तो बाकी आपके रह गए जो सब यही हो जाएंगे तो वन uh, आपका हो जाएगा वन टू टू और थ्री थ्री के बाद आपका हो जाएगा फोर फाइव सिक्स हाँ एक मिनट फिफ्टी फिफ्टी नहीं लेंगे इसमें ठीक है ध्यान रखना तो ये आपका कितना हो गया uh, एक मिनट फिफ्टी आप नहीं लेंगे तो यहां से आपका हो गया फिफ्टी एक मिनट मैंने कहाँ कहाँ लिया एक मुझे फोर्टी टू फोर्टी टू फिफ्टी लेना ठीक है ध्यान रखिएगा शुरू से कितना हो जाएगा ये आपका फोर्टी टू फिफ्टी तो आपका कितना होगा ये वन टू थ्री फोर और फाइव सिक्स तो कितना हो जाएगा ये आपका सिक्स हो जाएगा सिक्स हो गया ये वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो एक टेबल और बनानी पड़ेगी क्योंकि फिफ्टी भी आ गया इसमें तो फिफ्टी भी एक स्टूडेंट को और फिफ्टी को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे ध्यान रखना फिफ्टी हमारा जो है वो अलग होगा फिफ्टी जो है वो ये वाले क्लास इंटरवल के साथ नहीं जाएगा मतलब नेक्स्ट क्लास इंटरवल के साथ जाएगा जिसकी वैल्यू है फिफ्टी टू सिक्सटी तो फिफ्टी की लोअर लिमिट में ही इंक्लूड होता है एक्स्ट्रा अपर लिमिट में इंक्लूड नहीं होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वन जाएगा वन देखो तो इसको ऐड करो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी थ्री थर्टी थ्री प्लस नाइनटीन करेंगे तो आपका कितना हो गया ये आपका थर्टी थ्री प्लस थर्टी थ्री प्लस नाइनटीन कितना हो जाएगा आपका अगर यहां से आप देखें थर्टी थ्री प्लस नाइनटीन तो ये आपका फिफ्टी टू फिफ्टी टू प्लस सेवन फिफ्टी नाइन हो रहा है यहाँ पर एक वैल्यू कहीं पर जो है वो मिस हुई है, है ना एक वैल्यू आपकी कहीं मिस हुई है, तो आपको ध्यान रखना है ये डेटा जो है वो आपको मिस नहीं करना अगर मैं इससे कंपेयर करूँ टू टन ट्वेंटी वन नाइनटीन टू टेन ट्वेंटी वन नाइनटीन और सेवन तो ये वैल्यू यहाँ मिस हुई है ये वैल्यू कितनी है ये वैल्यू आपकी सेवन है सेवन तो अगर आप फोर्टी टू फिफ्टी वाला दोबारा काउंट करें तो उसको देखें फोर्टी टू फि फोटी टू फिफ्टी तो फोर्टी टू फिफ्टी अगर मैं दोबारा काउंट करूँगा इसको इरेज करता हूँ फोर्टी टू फिफ्टी तो फोर्टी टू फिफ्टी एक हमारा ये हो गया देखो तो वन उसके बाद आपका हो जाएगा देखो तो यहाँ मिस हो रहा था ये चीज़ मैं मिस कर गया था तो फोर्टी टू फिफ्टी टू ये सेवन हो जाएगा वन और आपका हो जाएगा यहाँ से टू और फिर आपका थ्री थ्री के बाद आपका यहाँ पर फोर फाइव और सिक्स और ये कितना आ जाएगा सेवन तो ये सेवन आ जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ये वैल्यू टोटल फिफ्टी होगी तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं और इसमें ध्यान रखना है कि आपको जो नंबर्स तो कितने सारे फिफ्टी नंबर्स हैं वो ये सिक्सटी हो जाएगा सॉरी तो ये सिक्सटी नंबर्स हैं क्योंकि सिक्सटी स्टूडेंट हैं तो सिक्सटी स्टूडेंट्स के यहाँ पर आ जाएगा तो ये सिक्सटी नंबर्स हैं तो इनको आपको जो है वो गलत नहीं करना है आपको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो अच्छे से करना है ध्यान रखिएगा इस चीज़ का क्योंकि यहाँ गलती होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है अब उस डेटा को आपको टेबल में रिप्रेजेंट करना है तो आप एक बार इस तरह से कट कर लें नंबर एक बार आप डबल क्रॉस कर सकते हैं एक बार आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसे कर सकते हैं सर्किल बना सकते हैं ठीक है और एक बार आप डबल कट कर सकते हैं किसी नंबर को ऐसे भी कट कर सकते हैं ठीक है तो उस तरह से आप जो है वो पेंसिल का यूज करें पेंसिल डेटा लिख लें पेंसिल का यूज करके आप उसको जो है वो टेबल में कन्वर्ट कर लें अदरवाइज ये बहुत मुश्किल हो जाता है लंबा लेंदी हो जाता है ठीक है अब चलो ये चीज मैंने आपको समझा दी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट कौन सी लिमिट एक्सक्लूड होगी कौन सी लिमिट जो है वो एक्सक्लू इंक्लूड होगी अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें ट्राई दीज में करें स्टडी द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है फाइव फिफ्टी वर्कर्स हैं इसका मतलब क्या है जो क्लास इंटरवल डेली इनकम है सौ से एक सौ पच्चीस तक मतलब वन ट्वेंटी फाइव नहीं होगा वन ट्वेंटी फाइव पहले इससे तो हंड्रेड से लेके वन ट्वेंटी फाइव के बीच में हंड्रेड से अप टू वन ट्वेंटी फाइव जो इनकम है उसमें कितने वर्कर्स हैं वो वर्कर्स फोर्टी फाइव है वन ट्वेंटी फाइव से वन फिफ्टी टू 150 तक कितने ट्वेंटी फाइव वर्कर्स हैं जिनकी इनकम है ठीक है और यहां पर यह बहुत सारा डेटा दे रखा है साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल का साइज क्या बताएं आप क्लास इंटरवल का साइज यहां क्या होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लास इंटरवल का जो साइज हो जाएगा यहां से ले तो ये कितना हो रहा है अगर हम देखें देखो कोई भी ले लो आप कोई भी क्लास इंटरवल ले लो एनी वन तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें आप तो जिससे अगर फर्स्ट वाले लें तो हंड्रेड से कितना वन ट्वेंटी फाइव है तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट कितनी ये वाली अपर लिमिट है और लोअर लिमिट ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव आ जाएगा तो यहाँ पर क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ओके विच क्लास हैज हाइस्ट फ्रीक्वेंसी अब इसके लिए आप जो है वो फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में आए फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में अगर आप आएंगे तो शुरू से देखते हैं तो फोर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव है और यहाँ देखो मैक्सिमम वैल्यू कहा है मैक्सिम वैल्यू ये वाली है तो कह रहे हैं कि विच क्लास तो ये वाली जो क्लास है 200 टू टू ट्वेंटी से लेके 225 वाली जो क्लास क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो मैक्सिमम है कहना विच क्लास है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी तो कौन सी क्लास की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है देखो तो ये वैल्यू कितनी है ट्वेंटी है और ट्वेंटी से कम क्या है कम कोई वैल्यू है अगर मैं लास्ट में देखूँ नहीं कोई वैल्यू कम नहीं तो जो लोएस्ट वैल्यू हो जाएगी वही हो जाएगी थ्री टू थ्री टू इसका आंसर देखो इस वाले का आंसर है टू 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 इसका आंसर थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर थ्री हंड्रेड टू थ्री ट्वेंटी फाइव ओके अब यहाँ पर व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास द्लास इसकी अपर लिमिट क्या होगी इसकी अपर लिमिट हो जाएगी टू सेवेंटी फाइव मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्लास इंटरवल ये दिया है 275, ये अपर लिमिट होती है और ये लोअर लिमिट होती है ये अपर लिमिट है क्लास विड्थ क्या हो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा है ना टू हैव सेम फ्रीक्वेंसी अब आप देख लो कि यहाँ पर सेम फ्रीक्वेंसी किस किस की है अगर आप देंगे तो ये 55, 55 दोनों सेम है तो 152, 152, टू 175 175 एंड एंड 225 250 ये दो क्लास फ्रीक्वेंसी ऐसी हैं दो क्लासेस ऐसी हैं जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी यहां पर अब देखो यहां नेक्स्ट जो दिया है सेकंड वाला वो क्या करें? ये कह रहे हैं कि आप जो है वो कंस्ट्रक्ट करिए कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल द वेट ऑफ ट्वेंटी स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स हैं ट्वेंटी स्टूडेंट्स हैं आपको क्लास यूज करना है थर्टी से स्टार्ट करना है थर्टी फाइव टू फोर्टी और सुहान उन्होंने लोअर लिमिट लोअर क्लास इंटरवल हमें बता दिया ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एक क्लास इंटरवल आपको पता यहाँ होना ज़रूरी है चलो मैं इसको फटाफट आपको बता देता हूँ देखो बहुत ज़रूरी है देखो इसमें जो टाइम जो है वो ज़रूर ज़्यादा लग रहा है लेकिन आप उसके लिए परेशान ना हो लेकिन ये चैप्टर जो वो आपको जल्दी समझ में नहीं आता है ना तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करें और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको है ना

अब अपर लिमिट मुझे नहीं पता तो यहाँ पर आओ यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी है यहाँ अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो ये आपकी सिक्सटी होगी सिक्सटी से बड़ा कोई है सिक्सटी सिक्सटी फाइव है तो सिक्सटी फाइव तक जा रहा है मतलब सिक्सटी फाइव तक तो हमें ये वैल्यू रखना है सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी तक फोर्टी टू फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव ठीक है फिर फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी और सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव और लास्ट हो जाएगा सिक्सटी फाइव टू सेवनटी तक ले जाना है यहीं तक ले जाना ध्यान रखना क्योंकि सिक्सटी फाइव जो है वो लोअर लिमिट में आएगा किस में आएगा लोअर लिमिट के अंदर आएगा वो ओके तो इसको जल्दी से हम टेबल बना लेते हैं आप लोग भी साथ साथ करते रहे टेबल बनाते रहे साथ साथ ठीक है वीडियो को जो है वो सुनना नहीं है सर कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है आपको और उसको सॉल्व करना है ठीक है चलें अब देख लेते हैं तो थर्टी फाइव टू फोर्ट थर्टी टू थर्टी फाइव में कौन कौन आएगा यहाँ पर देखो अब ध्यान दें यहाँ पर कौन कौन आएगा तो थर्टी टू थर्टी फाइव मतलब थर्टी फाइव से कम और थर्टी से ज्यादा तो ये हो गया आपका एक ये वन टू थ्री थर्टी फाइव नहीं होगा ठीक है थ्री के बाद ओनली थ्री वन टू थ्री तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट थ्री फिर देखें थर्टी फाइव टू फोर्टी थर्टी फाइव टू फोर्टी फोर्टी नहीं होगा इसमें तो वन वन टू टू के बाद आपका होगा थ्री एंड फोर ठीक है और तो कोई नहीं है? तो ये आपका वन टू थ्री फोर ये आपका कितना होगा फोर होगा ट्वेंटी स्टूडेंट ध्यान रखना फोर्टी टू फोर्टी फाइव तो ये हो जाएगा फोर्ट वन के बाद आपका टू 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 थ्री फोर फोर आपके यहाँ होगा इनका हो गया फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फोर्टी फाइव टू फिफ्टी आपका ये हो जाएगा वन टू 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 थ्री थ्री के बाद आपका फोर फाइव तो ये कितना होगा वन टू थ्री फोर फाइव तो ये आपका हो जाएगा फाइव अब तो आप फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव देखें तो फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव एक वन हो गया आपका वन के बाद फिफ्टी फाइव नहीं होगा ये आपका जगह वन हो जाएगा ठीक है और फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी तो फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी यहाँ नहीं होगा फिफ्टी फाइव आपका आ जाएगा यहाँ पर फिफ्टी फाइव वन हो गया ठीक है तो ये आपका वन हो जाएगा वन और यहाँ सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव में ये आएगा है ना तो ये भी आपका वन हो गया और ये आपका वन हो जाएगा लास्ट वाला भी वो भी एक ही है इसको आप बैठ गए तो सेवन प्लस फोर इलेवन इलेवन सिक्सटीन और प्लस फोर ट्वेंटी तो ये आपका कहना होगा ट्वेंटी हो, हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देखें तो ये वैल्यू ये जो है वो आपकी क्या हो जाएगी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका क्या होगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका ठीक है तो ये जो थी वो आपकी देखो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत बड़ी हो रही है यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट मतलब 5.1 एक्सरसाइज तक मैं इसमें कवर कराऊंगा तो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक लिए बाय टेक केयर जय हिंद आईमती गहमत ऑफ